हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग आपके साथ थोड़ा सा मोटिवेशन रिलेटेड बातचीत करेंगे। अगर आप अपने करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर हताश हो चुके हैं तो ये वीडियो आप में थोड़ा सा पावर वापस आपको लौटा के देगा और आप शायद अपने रास्ते पे वापस आ सकते हैं। इसको देखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वही बच्चे सामने आएंगे अभी या वही बच्चे कंटिन्यू करेंगे जिनका एग्ज़ाम है या पढ़ाई है। कोई भी इसको देख सकता है। आप अपने हर दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो भी आपको हेल्प कर सकता है। शुरू करने के पहले एक थोड़ा सा, एक छोटा सा कविता जुगाड़ करके लाया हूँ जो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा जमता है जो पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा सुन के आपको मज़ा आएगा। थोड़ा इम्प्रोवाइज वर्जन है, कहीं आपने सोशल मीडिया में सुना भी होगा, बट थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज कर दिया, छोटा कर दिया। याद करना, सोचना और फिर लिखना। याद करना, सोचना और फिर लिखना। लिख के फिर सोचना, सोच कर फिर लिखता हूं प्रभु। दिन रात किताबों के पन्ने पलटता रहता हूं प्रभु। भाग्य में लिखित न जाने कौन सा अभिशाप है, भाग्य में लिखित न जाने कौन सा अभिशाप है। रात भर रटता हूं, सुबह फिर मैदान साफ है। कविता खत्म हुई, बट ये जस्ट फन एलिमेंट के लिए था और ये वास्तविकता है हर बच्चों के लिए। तो देखिए, मेरे स्क्रीन पे भी एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है, स्टॉप विशिंग स्टार्ट डूइंग। अगर आप सोचना बंद नहीं करके कार्य करोगे नहीं ना, तो रिजल्ट मिलेगा नहीं। द वन हु थिंक्स कीप्स ऑन थिंकिंग, ही नेवर गेट्स एनीथिंग। मैंने एक किताब पढ़ी थी देवदत्त पटनायक जी की, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि जिंदगी में जो इंसान सिर्फ सोचता रहता है उसको कुछ हासिल नहीं होता। उसको उन्होंने एक संज्ञा दी थी शेख चिल्ली नाम से, शेख चिली, चिल मारता रहता है, सुस्ता रहता है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन हमें चाहिए कौन? हमें चाहिए ऐसा इंसान जो राजा भोज हो। राजा भोज मतलब जो सोचे भी थोड़ा कि करना क्या है, लेकिन करने पे ज़्यादा जोर दे, जिससे कि लॉन्ग टर्म में बहुत सारे लोगों का भला हो। तो आपको शेख चिली नहीं बनना, आपको क्या बनना है? राजा भोज बनना है। तो राजा भोज बनना है मतलब प्लानिंग करनी है। प्लानिंग शुड बी 20% ऑफ योर टाइम एंड एग्जीक्यूशन ज़्यादा करना है, 80% ऑफ द टाइम एग्जीक्यूशन पे लगना है। और पता है जिंदगी में 99% लोग अनसक्सेसफुल क्यों रह जाते हैं? क्योंकि प्लानिंग में कोई ऐसा नहीं कि कोई नहीं करते हैं, प्लानिंग सभी करते हैं, ठीक है। 99% सारे के सारे एग्जीक्यूशन में फेल है, डब्बा गोल है। कुछ लोग जो बिना प्लानिंग के सिर्फ एग्जीक्यूशन ही कर रहे होते हैं, उनको देवदत्त पटनायक जी की उस किताब में बताया गया है कि वो है गंगू तेली। नो प्लानिंग, नो थिंकिंग, ओनली एग्जीक्यूशन, तो गंगू तेली बन जाते हैं। गंगू तेली समझ जाओ आप, ऐसे एक सिंबॉलिक नाम किसके लिए दिया हुआ है। तेली मतलब जो खाली तेल निकाल रहा है, सुबह से शाम खाली एक ही काम कर रहा है और उसको दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, तो गंगू तेली बन जाता है। और एक जो कि ऐसा भी इंसान होता है जो जैसा लोग बोले वैसा ही करे जा रहा है, वैसा ही करे जा रहा है, वो देवदत्त पटनायक जी की किताब में बताया गया है, वो है गोबर गणेश। गोबर गणेश मतलब कौन होता है? गोबर से बनाया हुआ गणेश, गणेश मतलब मूर्ति, गोबर से बनाया हुआ। तो आइडिया ये था वो वर्ड यूज करने का कि उसको क्या ना, जो जैसा बोले वैसा ही कर लेता है। गोबर से आप कुछ भी बना सकते हो, गणेश ही क्यों, कुछ भी बना सकते हो ना आप। कोई डब्बा बना सकते हो या कोई कोयला बना सकते हो आप, कोई भी तरह का मूर्ति बना सकते हो गोबर से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गणेश ही बना सकते हो, तो उसको गोबर गणेश बोलते हैं। गोबर गणेश मतलब खुद का कुछ नहीं चलता उसका, तो कोई उसको बोल रहा है भैया ये गलत, तो वो गलत, ये बोल रहा है सही, ये सही। जैसे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो गोबर गणेश बन के एग्जाम देंगे तो कुछ नहीं हो सकता आपका। कैसे गोबर गणेश मतलब बन गए, मतलब क्या हुआ सोचो? ये हुआ कि अभी कोई दोस्त बोल दिया, अरे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या, तो आपको डर लग गया, बोला चल चल ला ला दिखा 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 दिखा।
फिर कहीं से कोई और मैट आ गया, बोले ये सारा क्वेश्चंस आया है इसमें, उसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो मैट सॉल्व करने लगा। फिर ये मैट खत्म हुआ ही था कि फिर पता चला कि किसी ने बोला स्कैनर सॉल्व कर लो, किसी ने फिर एक और वीडियो दिखा दिया, बोला कि इसमें ये एबीसी एनालिसिस कर लो। तो जिसका बताया हुआ से खाली आप है ना अपने आप को कभी गणेश कभी कृष्ण कभी राधा कभी बंदर कभी जिराफ कभी हाथी बनाते चले जा रहे हो, तो वो गोबर गणेश हुआ। ठीक है, तो एग्जाम की बात है। और ऐसी रियल वर्ल्ड में भी आप स्टेप इन कर रहे हो अगर, तो आप समझ लेना कि अगर आप किसी के कहने पर कभी स्टॉक मार्केट में घुस गए, किसी के कहने पर कभी कोई काम को इस तरह से कर दिया, कभी उस काम को उस तरह से कर दिया, कभी जॉब करना है कभी बिजनेस करना है, खुद का कुछ नहीं है, जो जैसा बोल रहा है बस वैसा ही कर रहे हो, तो क्या हुआ? गोबर गणेश हो। और कुछ जरा सा भी दिमाग ही नहीं लगा रहे हो तो क्या हुआ? बस सुबह झोला उठाकर ऑफिस चल जा रहे हो और कुछ भी माथा ही नहीं लगा रहे हो कि करना क्या चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ूं, तो गंगोत्री हो। इसी तरह से आप अगर एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और सुबह से शाम बस उठ के खाली सम विषम बना रहे हो, लेकिन ये नहीं पता है आपको क्या क्या और पढ़ लेना है, तो आप क्या हो? गंगोत्री हो। आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी के कम वीडियोज हम लोग बनाते हैं। देखिए कितना वीडियोस बनाया था, लास्ट 30 डेज का रामबान, 45 डेज का स्ट्रेटजी, ये वाला वीडियो देख लेगा तो सब पूरा वो ऑल टुगेदर समझ में आ जाएगा, 3 टाइम्स रिवीजन टिप्स। बट खाली सुनने से नहीं होगा, खाली सुनते रहोगे तो शेख चिली, खाली सुनते रहोगे तो शेख चिली बन गए कि भाई हम तो सोचने में मजा आता है, हमको तो वीडियो देखने में मजा आता है, करते कुछ नहीं हो तो शेख चिली। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ऐसा जो सबका कॉम्बिनेशन हो, सबसे सुना गोबर गणेश की तरह, लेकिन अपना बुद्धि यूज किया कि उसमें से मेरे लिए क्या अप्रोप्रिएट अभी है, मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से और मेरे वीकनेस के हिसाब से, करेक्ट। फिर शेख चिली की तरह प्लानिंग किया और फिर गंगोत्री की तरह मार के एग्जीक्यूशन किया, तो बन गए क्या? राजा भोज। तब ना आपके लिए गाना बनेगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री, सुनेगी नहीं। तो बेसिकली दुनिया ये चाहती है या कायनात ये चाहती है, बेसिकली यूनिवर्स ये चाहता है कि बेटा तुम एक्ट करो, रिजल्ट हम तुमको देंगे। लेकिन एक्ट मतलब गोबर गणेश की तरह नहीं, एक्ट मतलब गंगोत्री की तरह नहीं, एक्ट मतलब खाली शेख चिली की तरह सोचना नहीं, आपको तीनों का कॉम्बिनेशन लेके एक्ट करना है। एंड व्हेन यू डू इट यू सी द चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पुराने ज़माने में है ना, राजा लोग के भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते थे कि उनका एक है ना गुरु होता था। आपने देखा होगा रामायण में भी कभी आपने देखा होगा कि भगवान राम भी कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाते थे, तो वो अपने गुरु के आश्रम में जाते थे और उनसे सलाह मशवरा करते थे, एक ही गुरु होता था। प्रॉब्लम क्या, आप लोग के ना हजार गुरु हो जाते हैं, ये भी गुरु है वो भी गुरु है ये भी गुरु है वो भी गुरु है, तो एक जन को आप पकड़ के अगर सलाह माने और उसी की बात को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। अगर वो बोल रहे फिर ए तो ए ही करना है, फिर वो बोलते बी तो बी करना है, आप उनका सुनते हो ए और फिर जाके बी करते हो, तो फिर अगली बार वो गुरु भी गुस्सा हो जाएंगे और बोलेंगे यार ये बेकार आदमी, इसको बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर बार कबाड़ा कर देता है और फिर वापस आता है, फिर पूछता है, फिर मैं कैसे उसको संभालूंगा। पॉइंट है कि समय भी तो निकल जा रहा है ना, तो सब चीज़ को ठीक करने में समय लगेगा, तो वो समय आपके पास लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड समय में सही रिजल्ट निकालना है तो एक गुरु को फॉलो करना है, एक चैनल को फॉलो करना है, एक गाइडेंस रूट को फॉलो करना है और उसी को 100% लेवल पे एग्जीक्यूट करके देखना है कि आपका रिजल्ट कैसा आता है। सो स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग एंड बिकम योर राजा भोज, डोंट बिकम जस्ट गंगोत्री और गोबर गणेश और शेख चिली, यू हैव टू बिकम राजा भोज। ध्यान रहेगा, इस छोटे से सेशन में इतना ही है, वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड जरूर करें जो भी डिमोटिवेटेड है और आपको लगता है कि वो गंगोत्री बना हुआ है, गोबर गणेश बना हुआ है, शेख चिली बना हुआ है। पूरे दिन भर में भी आप ये देखते रहिएगा कि कब आप शेख चिली हैं, कब आप गंगोत्री बन गए, कब आप गोबर गणेश बने हुए हैं, कब आप राजा भोज बने हुए हैं, ऐसा अलग अलग फेज आएगा। बिना सोचे समझे कुछ काम करे जा रहे हो तो गंगोत्री बन गए, है ना, जो जैसा बोल रहा है वही कर रहे हो, अपना समझ ही नहीं लगा रहे हो तो गोबर गणेश बन गए। तो दिन भर में हमारा भी माइंड अलग अलग जगह चला जाता है, बट आपको रियलाइज़ करना है, अवेयर होना है
और अपने आप को राजा भोज के तरह उठ करके एक्ट करना है। कैसे करना है? पहले प्लान करना है कैसे क्या होगा नहीं होगा, सब समझ समझ के राजा जैसे मशवरा लेता है अपने मंत्रियों से, अपने गुरु से, तो मशवरा लेना है और पूरा चीज का इम्पैक्ट समझना है और फिर सोचना है शेख चिली के तरह कि और क्या हो सकता है। ठीक है, मशवरा लेने के पहले भी सोच सकते हैं, बाद में भी सोच सकते हैं, और फिर सबका व्यू पॉइंट्स को भी इकट्ठा कर लें, बट अति लोगों का इकट्ठा ना करें, इकट्ठा करके अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से उसको छान लें, फिर मार के गंगू तेली जैसे एग्जीक्यूट करें। और ये डेली एक प्रोसेस चलता चाहिए, डेली। कई बार ऐसा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स होता है, बड़ा बड़ा मान लीजिए सिलेबस आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो ज़्यादा रोज नहीं सोचना पड़ता है, वो जब एक एक पूरा सीक्वेंस ऑफ वर्क खत्म हो जाए तब सोच लीजिएगा, नहीं तो डेली सोचना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग दिस वे प्रोबेबली यू आर नॉट गोइंग टू लीड एनीवेयर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टू कम।